बड़े अच्छे लगते हैं। मैं प्रिया अपनी एक अलग लाइफ पुणे में जी रही है, राम से दूर। वो छोटी जगह पर जी रही है जहाँ पर उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, चाहे फिर वो घर में लीकेज हो या फिर बिल भरना हो, रेंट देना हो। लेकिन उसके बावजूद भी प्रिया अपने आप में खुश है, अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड है और अपनी बेटी के साथ ही वो इस लाइफ को बहुत ही खुशी से जीना चाहती है। ऑन द अदर हैंड राम बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके साथ ही आने वाले एपिसोड्स में हम आपको बता दें कि प्रिया को पहली बार राम नजर आएगा 5 साल के बाद, जब सारा दी को विक्रांत प्रपोज कर रहा होगा और वहां पर वीडियो कॉल पर प्रिया भी होगी, तब राम भी वहां पहुंच जाएगा। इसके अलावा प्रिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी जब दिखाया जाएगा कि प्रिया अपने पास पढ़ने वाली एक बच्ची को हेल्प करने की कोशिश करेगी। प्रिया को उस बच्ची के हाथों पर चोट के निशान दिखेंगे जब वो उसको और उसकी माँ को समझाने की कोशिश करेगी कि उन्हें कौन मार रहा है या उसके साथ कौन ये कर रहा है फिजिकल वायलेंस। प्रिया समझाएगी कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बच्ची की जो माँ है वो कहेगी कि वो उनके फैमिली मैटर्स में ना पड़े। उसकी बेटी बता देगी कि उसके फादर ही ऐसा कर रहे हैं जो एल्कोहलिक है। प्रिया कहेगी कि उनकी कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए, जिसके बाद उस बच्ची की माँ को इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो दूसरी औरतों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेगी और सबके सामने ये बता देगी कि प्रिया खुद 2 साल जेल में रहकर आई है। इसके बाद जो प्रिया की चौल की ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और प्रिया को ये जगह खाली करने के लिए कह देगी। पीहू के साथ प्रिया इन मुश्किलों को कैसे पार करेगी और राम को कैसे पता चलेगा कि पीहू उसकी बेटी है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।